आए जइयो भोरी मात सिंह सवारी करके हो आए जइयो भोरी मात सिंह सवारी करके मनाई भक्तन ने और बड़ा बाही दो मान सिंह सवारी करके लता ने तू ही मनाई हा तू ही मनाई मैया लता ने तू ही मनाई हा तू ही मनाई अवध जमो ज्ञान सिंह सवारी जमोए ज्ञान सिंह सवारी करके भोले आ जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी बाबा आ जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी।
आ जाइयो मैंने ले लई सारा तुम्हारी ओ बाबा आ जाइयो मैंने ले लई सारा तुम्हारी सीता और श्री राम का वर्णों प्रेम प्रसंग लतायव तो वर्णन करे हृदय बड़ी उमंग। तो ये सीता स्वयंवर का पावन आख्यान है जो सुनाने के लिए जा रही हूँ वर्मा केशव के माध्यम से शास्त्री लता यादव की आवाज में। तो आइए किस प्रकार शुरू करती हूँ कि जिस समय ऋषि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इधर अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम जन्म ले चुके हैं, धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे हैं। तो विश्वामित्र का आगमन महाराज दशरथ के यहां हुआ, तो महाराज दशरथ ने स्वागत और सम्मान किया और कहा कैसे आना हुआ। तो विश्वामित्र जी बोले कि अनुज समेत देव रघुनाथ अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर वध में हो तशनाथ निश्चर वध में हो तशनाथ कहा राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए क्योंकि राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे। तब महाराज दशरथ बोले महामुनि सुनो सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई राम देत नहीं बने गोसाई राम देत नहीं बने गोसाई सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाही राम देत नहीं बने गोसाई कहा वैसे तो मुझे सब प्रिय है लेकिन राम तो मुझे अत्यधिक प्रिय है। राम को तो मैं नहीं दूंगा, मेरे पास में विशाल सेना है और मैं लेके चलता हूँ। विश्वामित्र सोच में पड़ गए। तब तक गुरु वशिष्ठ से कहा तो गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही महाराज दशरथ से, कहा वैसे तो विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है लेकिन आपका सुयश बढ़ाने के लिए मांग रहे हैं, धीरे से एक बात और कही कि राम का विवाह भी इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। राम विवाह की लालसा ने पुत्र मोह को भंग कर दिया और राम लक्ष्मण को लेके चले हैं विश्वामित्र। रास्ते में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया था और कुटिया पर आ गए, यज्ञ शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो राक्षस आने लगे कि मार बीच सुबाहु राक्षस ते धुआं को देख कर आने लगे रघुबर ने जब ये देखा था दोनों की तरफ बुझाने लगे राक्षस आने लगे मार बीच सुबाहु राक्षस थे धुआं को देख कर आने लगे
रघुबर ने जब ये देखा था दोनों की तरफ वो जाने लगे। प्रभु ने ये देखा और सुभाव का उद्धार किया। मारीच जो था बाढ़ को लगते ही शत योजन का सागर पार लंका में जा गिरा। यज्ञ को सफल किया। लेकिन इधर जनकपुरी में क्या होता है कि व्याकुल है राजा रानी, बेटी हो गई शयानी, मर रचा हूँ मैं महान जनकपुरी के दरम्यान। व्याकुल है राजा रानी, बेटी हो गई शयानी, स्वयं मर रचा हूँ मैं महान जनकपुरी के दरम्यान। और भूत पठाए, रावण बाणा सुर जैसे स्वयंवर में योद्धा आए, राजा ने दूत पठाए, नौता शब भूत पठाए, रावण कई है नगरी शारी चमके झल मिलियो जियारी, सच गई है नगरी शारी झिल मिल चमके उजियारी, जाए झलक आसमान जनकपुरी के दरम्यान। व्याकुल है राजा रानी, बेटी हो गई शयानी, स्वयंवर रचा हूँ मैं महान जनकपुरी के दरम्यान। बड़े बड़े राजा महाराजा जनकपुरी में आने लगे और धनुष का आयोजन रखा। महाराज जनक ने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवाद तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर बलशाली को जान की प्याई जाएगी। कहां देखो जगह जगह पर पत्र को भेज दिया, जिसो महावीर की महाशक्ति ये धनवाद तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर बल शाली को जान की प्याई जाएगी।
सब जगह भेज दिया। विश्वामित्र के पास भी पत्रिका गई, तब विश्वामित्र ने राम से कहा, आपने एक यज्ञ को तो सफल किया, दूसरा जनकपुर में होने जा रहा है, उसे भी सफल कीजिए। राम लखन विश्वामित्र के साथ चले हैं जनकपुर के लिए। उस निर्जन पन में जा रहे हैं, तब एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी। तब विश्वामित्र ने कहा, प्रभु इसे भी अपनी पावर रस से पवित्र कीजिए। जब प्रभु से कहा, तब भगवान ने देखा कि गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का तवी उद्धार किया, इंद्र के साथ कलंकित थी उन पापा किया। कलंकित थी उस पापा से उसे पार किया। प्रभु ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। आगे के लिए चले हैं तो एक बगीचे में ठहर गए। लखन की इच्छा है जनकपुरी देखने की, गुरुजी की आज्ञा ली का हम देखने के लिए जाएं। तब गुरुजी ने कहा, देखो जा तो रहे हो, मेरी पूजा के लिए फूल भी तोड़ के उधर से ले आना। तब राम लखन गए कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबाग में जाई। और क्या, अरे क्वार माश की पूरण माशी क्या दिन रुके अबदपुर वासी, क्वार माश की पूरण माशी क्या दिन रुके अबदपुर वासी। और खुशी दिल में छाई पहुंचे फूलबाग में जाई। और क्या, विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन ब्रहत के संग में, विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन ब्रहत के संग में, है गुरु समझाई पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई। जैसे ही गुरुजी से आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम लखनलाल के साथ जैसे ही
जनकपुरी की शोभा को निहार करके आते हैं तो पुष्प वाटिका में आ जाते हैं। इधर माता जानकी भी गौरी का पूजन करने आई। कि संग सखी सब शुभ गसयानी, संग सखी सब शुभ गसयानी, गावय की तमनोहर वाणी, मनोहर वाणी, समझदार चकियों के साथ में माता जानकी बगीचे में आई गौरी का पूजन करने के लिए। कि चाहो गौरी चार पत वाला है, बगिया के बीच सरोवर है, अब उसी सरोवर के समीप सिर गिर जा, जी का मत गिर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है, कि जब पूजन के लिए गई तो इधर उधर में सब देखने लगी हैं सखियां। तब एक सखी ने क्या देखा कि देखन बाग कुमार दुईया, पाए किशोर सब हाथी सुहाए, श्याम गोर की कहो बखानी, गिरा नयन नहन बिनो पानी, तेही अवसर सीता चाहा अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, दोनों राजकुमार फूल तोड़ने के लिए आए। सखी ने देखा और कहा सीता तोड़ो तो सही, देखो कितने सुंदर है, लेकिन मैं तो उनका वर्णन भी नहीं कर सकती हूं। सीता जी ने राम जी की तरफ देखा, राम जी ने सीता जी को देखा तो एक दूसरे को देखने में लगे हैं शुद्ध बुद्ध खो बैठे। अरे मिल गए सिया राम के नैन पहली बार मिले बगिया में, मिल गए सिया राम के नैन पहली बार मिले बगिया में,
जानकी को देखने लगे, माता जानकी राम जी को। अरे सिया पूजन कर बे कुआई, रहे हैं पुष्प तोड़ी रघुराई। अरे सिया पूजन कर बे कुआई, रहे हैं पुष्प तोड़ी रघुराई। अरे वो सखी से बोली बेन पहली बार मिले बगिया में, अरे कितने सुंदर हैं तो भाई। अरे इनकी सूरत हृदय समाई, अरे कितने सुंदर हैं तो भाई, इनकी सूरत हृदय समाई। कह रही सखी भाई बेचैन पहली बार मिले बगिया में, मिल गया सिया राम के नैन पहली बार मिले बगिया में। मिल गया सिया राम के नैन पहली बार मिले बगिया में, राम जी पुष्प लेने गए तो माता जानकी की नजरें मिली तो खो गए। तब तक सखियां देखने लगी, लखनलाल राम जी की तरफ देख रहे हैं। तो ये देख करके दृश्य को, और राम जी पुष्प लेकर के चले गए पूजा के लिए, लखनलाल साथ में है। माता जानकी मंदिर में आई और माता गौरी का पूजन किया। किस प्रकार पूजन करती हैं कि पूजा की न अधिक अनुराग, पूजा की न अधिक अनुराग, निज अनुरूप शुभ गर मांगा, निज अनुरूप शुभ गर गदगद होकर के आशीर्वाद दिया और महलों में आ गई। इधर में बीच चौक में धनुष को रखवा दिया गया। राजा की प्रतिज्ञा थी जो कोई धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। सब राजा बैठे हुए हैं। इधर मंत्री ने आज्ञा पाकर के हुक्म को सुनाया, कहा हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ विवाह रचाएगा। सब एक एक करके
धनुष को आजमाने लगे, लेकिन कोई उठा नहीं सका। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे ही बैठे तब जनक ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कोई धनुष को नहीं तोड़ पाएगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। तब महाराज जनक कहते हैं कि कुंवारी लली रही और मैंने पेजा धनुष की ठानी। सब विधि भाग्य लली को फूट, काउ छत्री पे तहना सुना टूट, सब विधि भाग्य लली को फूट। के हमारी हसी भाई, के हमारी हसी भाई, मेरे प्यारा धनुष की ठानी। कुंवारी लली रही, मैंने पेजा धनुष की ठानी। महाराज जनक कहने लगे, मुझे लगता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। और कहा कि समझ लिया उन पूरी खोकी और संतानों में दासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। महाराज जनक कहने लगे, मुझे पता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, अगर वीर होता तो धनुष टूट चुका होता। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जब महाराज ने इतना कहा तो लखन लाल खड़े हो गए, कहा महाराज कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनो, जो अज्ञान गुरु की बाहो ब्रह्मांड को भाई उठा डाले, कहो सूरज चांद निकल जावे यमराज को भंप मिटा डाले। कहा
जैसे कह दिया, लखनलाल आज रोष में आकर के कहा, राजन अगर मुझे प्रभु की आज्ञा होती तो धनुष की क्या चलती, मैं पृथ्वी को उखाड़ करके फेंक देता। इधर गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दे दी, हे राम अब देरी न कीजिए और महाराज जनक जी के संशय को मिटा दीजिए। जब इतना कहा तो राम जी खड़े हो गए, अरे बच्चन सुनी शीस नवायो ढाड़े भये जी भगवान, अरे बच्चन सुनी शीस नवायो ढाड़े भये जी भगवान, कि पहले माता पिता सिर नाए के तुझे देवनी रहे मनाए, पहले माता पिता सिर नाए के तुझे देवन रहे मनाए, और के तीजे धनुष ढिंगयाए ठाड़े भये जी भगवान, झपटी के धनस उठायो है तोड़ के धरम गिरायो है, झपटी के धनुष उठायो है तोड़ के धरम गिरायो है, और में आए अपने माता पिता को वंदन किया, गुरुजनों को वंदन किया, धनुष की सात परिक्रमाएं लगाई और एकदम से धनुष को उठाया और तोड़ दिया। माता जानकी माला को लेकर के खड़ी है, राम जी लंबे हैं, माता जानकी छोटी है, माला को कैसे डाले। शक्तियां बोली थोड़े झुक जाओ ना, क्योंकि बिटिया को विलंब हो रहा है, माला बहुत भारी है। चकिया बोली के झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है रे, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, तुम यूँ चेक कर
कृपा करो रघुवीर लगी मेरी छोटी अरे चुक जइयो तने कर रघुवीर की खड़ी पग तू खन लागे कब की खड़ी पग तू खन लागे तुम हो तो बड़े बेपीर लली कभी हो नहीं सकता बिनो माला नहीं मिले जान की बिनो माला नहीं मिले जान की और यही हमारी तने कर घोबीर लली मेरी छोटी है सखियां बोली थोड़े झुक जाओ ना राम जी ने कहा नहीं हम कहीं नहीं झुकते क्योंकि हम रघुवंशी हैं सखियां बोली या तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं भगवान बोले हम कहीं नहीं झुकते अब सखियां बोली अब क्या होना चाहिए लखनलाल से कहा थोड़े कह दो ना झुक जाएं लेकिन राम कथा में तो बात बात पर मर्यादा है लखन कह कैसे दे कर झुक जाओ जब इतना कहा तो लखनलाल देखने लगे अब क्या करूं जब लखन ने ये देखा तो एक साथ लक्ष्मण राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो राम जी बोले लखन ये क्या करता है उठाने के लिए उदित हुए तब माता जानकी को बढ़िया मौका मिला और एकदम से माला को डाल दिया बोलिए रामचंद्र सिया की जय जैसे ही देखा तो सब बड़े प्रसन्न होने लगे हैं और जब प्रसन्न होने लगे तो उसी समय परशुराम जी का आगमन हो गया जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ है तो बोले के अदृश्य बोले बचन कठोरा बचन कठोरा अदृश्य बोले बचन कठोरा बचन कठोरा कहूं जड़ कनक धनुष कहीं तोड़ा अतिरसि बोले बचन कठोरा बचन कठोरा कहूं जड़ कनक धनुष कहीं तोड़ा कहूं जड़ कनक धनुष कहीं तोड़ा अपने हर्षा को दिखाते हुए पूछते हैं ये चाक किसने तोड़ा है मेरे सामने आ जाए लेकिन सब मृग शब्दों में देखने लगे हैं
मैं फलाए राजा का बेटा हूँ। सब अपना अपना परिचय देने लगे। तब तक राम जी ने देखा और कितने मधुर शब्दों में आकर के परशुराम जी के सामने क्या कहा। इतना बड़ा काम करने के बाद फिर कहा, कहा राम जी ने, राम जी बोले कि नाथ श्यामो धनो भंजनिहारा हो ही न कोही एक दास तुम्हारा। श्यामो धनो भंजनिहारा नाथ श्यामो धनो भंजनिहारा हो ही न कोई एक दास तुम्हारा। नाथ श्यामो धनो भंजनिहारा हो ही न कोई एक दास तुम्हारा। जब इतना कहा, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। तब परशुराम जी ने कहा, राम ये कैसा दास जो शत्रुओं जैसा काम करे, वो मेरा दास नहीं हो सकता। जब इतना कहा तब ये देख करके और परशुराम जी ने अपना धनुष दिया। तो राम जी ने जैसे ही लिया कि राम रमापति कर धनु ले हो चाप दे हो। राम रमापति कर धनु ले हो चहु चाप मिट संदे हो। जब परशुराम ने देखा अपना धनुष मार दिया तो राम ने हाथ में लिया तो बिना चलाए ही चल गया। और भगवान ने अपनी छाती पर जो चिन्ह दिखाया जो भृगु ने लात को मारा था, तब मस्तक झुकाकर के परशुराम जी चले गए। आगे क्या हुआ कि शतानंद यज्ञादई और तीने दूत पठाई अवधपुरी पहुंची खबर सो आए बरात सजाए। जब अयोध्या में निमंत्रण गया तो महाराज दशरथ बरात को लेकर के आ गए। और जैसे ही बारात को लेकर के आए तब आज जनकपुरी में और बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। बारात की भोजन की व्यवस्था हुई। जब बारात भोजन करने लगी तो सखियां जौनार गाने लगी। किस प्रकार कि राजा जनक राजा के द्वार सखी गावे गारी रे। राजा जनक राजा के द्वार नजारे सभी बैठाए सबके चरण पखारे। अरे आसन डारी सभी बैठाए सबके चरण पखारे। स्वरण थाल धरे भोजन के आगे धरा जलती धारी। ओ राजा जनक राजा के द्वार सखी गावे गारी।
सखिया कहने लगी सुनो, अरे साखी बतावे लालन कैसी अवधपुरी की पावा। हाँ साखी बतावे लालन कैसी अवधपुरी की पावा। अरे खीर खाए सुत पैदा करती पति तुम्हारी कहत लाल जुआ मसे कहत बने ना। अरे साखी तुम्हारी कहत लाल जू हमसे कहत बने ना। राजा जनक राज के द्वार सखी गावे गारी। ओ राजा जनक राज के द्वार सखी गावे गारी। रे राजा जनक राज के द्वार। जैसे ही मिथिला की सखियां जोनार गाने लगी तो लखनलाल देखने लगे कि कहने क्या लगी हैं। लेकिन मुझे भैया राम की अगर आज्ञा हो जाए तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। राम जी समझ गए लखन की बात और इशारा कर दिया कि तुम्हारा जो भी कहना चाहते हो वो बोल दीजिए। तब लखनलाल ने कहा सुनो तुम क्या कहती हैं। सखियां बोली हम ठीक ही तो कह रहे हैं। तब लखनलाल बोला देखो अयोध्या की नारियों को देखिए कि खीर खाकर के पुत्र उत्पन्न करती हैं, पुत्र पैदा करती हैं, लेकिन इस मिथिला की नारियों को देखिए उन्हें तो खीर खाने की भी आवश्यकता नहीं, वो तो पृथ्वी को चीर करके संतानों को उत्पन्न कर देती हैं। क्यों का माता जानकी के ऊपर कहा। तब ये देख करके राम जी मुस्कुराने लगे, कहा लखन ठहर जाइए। लेकिन सखियां राम को मंडप में ले गई और माता जानकी को लाई। के सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी मारिया। रे सिया रघुबर जी के संग चौदिशे प्रेम को रंग पड़न लागी। अरे हरे पड़न लागी वहा मरिया। रे सिया रघुबर जी के संग कुंवर कर भामर के ही बैठी लाप सब सागर ले ही। कुंवर कुंवर कर भामर के ही बैठी लाप सब सागर ले ही। और बरनी नजा
सब मंगल गावो परसि रहो हरि रंग अरे गावो री सब मंगल गावो परसि रहो हरि रंग अरे जा मसिया के दर्शन पाके सब को भयो रघुबर जी के संग पढ़ना लागी अरे हरे पढ़ना लागी महामरिया रे सिया रघुबर जी के संग पढ़ना लागी अरे हरे पढ़ना लागी महामरिया रे सिया रघुबर जी के संग। जैसे ही देखा तो सीता राम की मनोहर जोड़ी को देख करके सब आनंदित होने लगे। राम सीता का विवाह हुआ, लखन लाल का विवाह उर्मिला के साथ हुआ, भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। तो देख करके अब विदाई का प्रसंग आया तो सब देख करके दुखी होने लगे। मिथिलावासी सोचने लगे कि हमें नहीं पता था कि जब जानकी जाएगी तब हमारी ये दशा हो जाएगी। सब रो पड़े तो सब मिथिलावासी रुधिर करने लगे हैं। तब माता जानकी रो पड़ी और बोली के पिताजी मेरी मिथिला नगरिया काये रहिए हो छोड़ भाई पिताजी मेरी मिथिला नगरिया काये रहिए और माता जानकी माँ सुनैना के हृदय से लग गई। माँ भुलाए लई अयोध्या से बारात बुलाए लई अयोध्या से बारात लगायो नगर बुलवा चाहे रहे हो छोड़ पाई पिताजी मेरी मिथिला नगरिया काये रहे हो छोड़ भाई तब तक महाराज जनक एक खम्भे को पकड़ करके रो पड़े और कहा मुझे नहीं पता था कि जब मेरी बिटिया जानकी जाएगी तो मेरी ये दशा हो जाएगी। पिताजी ने कर दे पीले हाथ पिताजी ने कर दे पीले हाथ
लागी बनी दुल्हनिया चाहे रही हो छुड़वाए। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया चाहे रहे हो छुड़वाए। मिथिलावासी दुखित होने लगे और महाराज जनक रो रहे हैं, माँ सुनैना रो रही है कि मावतों की ओ कन्या दान के अवतों की ओ कन्या दान राय दई सात भवरिया गाये रही हो छोड़ गाये। रोबे लता न तिलवन तीर रोबे लता न तिलवन तीर कि रोबे बाबुल मैया चाहे रहे हो छोड़वाई। जी मेरी मिथिला नगरिया गाये गाये हो छोड़ गाये। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया गाये गाये हो छोड़ गाये। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया गाये और दनी बेदनी।